फीसदी मतदान हुआ है। सरकार बना रहे हैं। सारे उत्तर प्रदेश का माहौल तो आप लोगों ने स्वयं देखा है जी। मैं समझता हूँ कि कहीं से किसी प्रकार की कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं 80-20 की लड़ाई है, 80-20 की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में। वो तो 80-20 का क्या मायने में देखा जाए? अरे हो सकता है कि 80% कामयाबी या विजय भारतीय जनता का पार्टी को हासिल हो और 20% में अदर्स हो। सर आतंकवाद का मुद्दा, चुनावी चुनाव में हिजाब की भी एंट्री हो गई, आतंकवाद की भी एंट्री हो गई, साइकिल की भी एंट्री हो गई, नमाजवादी अब्बा जान की भी एंट्री हो गई, क्या समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी थोड़ा सा इन सब टर्म्स का प्रयोग करने वाले लोग जाने मेरे संबंध में कुछ कि 200 तो हो गया है। किसी के स्टेटमेंट पर कोई कमेंट नहीं, 200 सीट आ गया है बीजेपी। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, इस बार का चुनाव जो होगा वो सुशासन और विकास प्रमुख रूप से दो मुद्दे होंगे, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। और इस मामले में इस हिंदुस्तान की अव्वल पार्टी यदि कोई है तो भारतीय मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ, लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान मतदान होता है, सभी लोग भारी संख्या में मतदान करें, इसी अपील के साथ कितनी कितनी सीटों की संभावना लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।